मिस्टीरियस फैक्ट्स सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मिस्ट्री टॉक्स को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। दुनिया के 7 अजूबों के बारे में हम सब जानते हैं, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मिस्र के पिरामिड, ताजमहल आदि। पर एक सबको चौंका कर रख देने वाले नायाब अजूबे, फिर चाहे वो कोई इतिहासकार हो, वैज्ञानिक हो या फिर कोई आर्किटेक्ट, सभी को इस मंदिर की नायाब कलाकृति और शिल्प कराने सोच में डाल रखा है। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में एलोरा केव्स के पास स्थित कैलाश मंदिर की, जिसके बारे में यहाँ तक माना जाता है कि कैलाश मंदिर को एलियंस ने बनाया था। हम में से कई लोग कैलाश मंदिर के बारे में जानते हैं। ये नायाब मंदिर महाराष्ट्र की एलोरा केव्स के पास स्थित है। हर कोई, यहां तक कि एलियन रिसर्चर तक, इसकी निर्माण कला को लेकर हैरान है और वो इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि कैलाश मंदिर को एलियंस ने ही बनाया था। क्योंकि कैलाश मंदिर की सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि इस मंदिर को एक बड़ी चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काट कर बनाया गया है। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि इस मंदिर को बनाने की शुरुआत 757 से 775 ईस्वी के बीच हुई थी और इसे बनवाया था शास्त्रकुता डायनेस्टी के राजा कृष्णा ने। चट्टान को काट कर बनाया गया ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। कैलाश मंदिर एक हिंदू मान्यताओं का मंदिर है, जो कि कैलाश पर्वत को भगवान शिव के घर के रूप में प्रदर्शित करता है। इस मंदिर में हाथियों की बहुत प्रतिमाएं हैं और ऐसा लगता है कि मानो हाथियों ने ही इस मंदिर को उठा रखा है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये मंदिर कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि केवल भगवान शिव की मूर्ति 109 फीट चौड़ी और 164 फीट ऊंची है। इस मंदिर की संरचना कितनी अद्भुत है, आइए इसे समझते हैं। यह मंदिर 8वीं शताब्दी यानी कि आज से करीब 1200 साल पहले, वो भी केवल एक चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ तराशते हुए बनाया गया है। और इतिहासकार ये तक बताते हैं कि इसे बनाने में कम से कम 10 दशकों का समय लगा होगा, जिसे 800 से 1000 मजदूरों ने प्रति घंटे प्रति दिन काम करके बनाया होगा। अगर हम 550 साल पुराने ताजमहल को देखें, जिसे बनाने में 22 साल लगे, या आज के ही आधुनिक युग के अक्षरधाम मंदिर को, जिसे बनाने में 5 से 8 साल लग गए। दोनों ही स्ट्रक्चर्स में नक्काशी का बेहद नमूना पेश किया गया है, पर आज से हजारों साल पहले ना तो कोई नक्काशी की आधुनिक टेक्नोलॉजी थी जिससे कि पत्थरों को तराशा जा सके, पर आज भी कैलाश मंदिर की नक्काशी ताजमहल और अक्षरधाम की नक्काशी को बराबर की टक्कर देती है। चलिए, एक बार को सफाई और सुंदरता की बात तो कंसीडर की भी जा सकती है, पर इतिहासकारों, वैज्ञानिकों, आर्किटेक्चर्स और यहां तक कि एलियन रिसर्चर्स को तक इस बात ने हैरान करके रखा है कि इस मंदिर का निर्माण केवल एक बहुत बड़ी चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काट कर किया गया है। सोच कर ही हैरानी होती है कि आखिर इतनी सटीक कैलकुलेशन किसने की होगी और आखिर किसने बनाया होगा इस मंदिर का इतना सटीक नक्शा जिसमें गलती की कोई गुंजाइश तक नहीं है। इन सभी बातों को आधार मानकर एलियन रिसर्चर्स ये दावा करते हैं कि कैलाश मंदिर को बनवाने में हो ना हो एलियंस ने इंसान की मदद की थी। दोस्तों, अब जानते हैं कैलाश मंदिर के बारे में। यह मंदिर एलोरा की गुफाओं का ही एक हिस्सा है। 34 गुफाओं में इसका नंबर 16 है। ये पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है और इस मंदिर के मध्य में नंदी बैल की एक प्रतिमा स्थित है, जो कि मुख्य प्रतिमा के मुकाबले काफी छोटी है। इस मंदिर में एक लगभग 100 फीट ऊंचा स्तंभ है जिसकी नक्काशी अद्भुत और देखने लायक है। नक्काशी के जरिए ही
इसमें कई धार्मिक कहानियों को तराशा गया है। यहाँ तक कि हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार इसे सेमरु का दर्जा दिया गया है, जिसका अर्थ है इस ब्रह्मांड का केंद्र या फिर सेंटर ऑफ यूनिवर्स। मंदिर में एक झलक रामायण की भी देखने को मिलती है, जिसमें रावण को कैलाश पर्वत के पास दिखाया गया है और इस मॉन्यूमेंट को इस मंदिर के मास्टर पीस की तरह माना जाता है। इस मंदिर में ऐसी ऐसी प्रतिमाएं हैं आपको पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिल सकती। इसमें से कुछ प्रतिमाएं ग्रीक, रोमन, चाइनीज, बुद्धिज्म और यहाँ तक कि जैन मान्यताओं से बिलोंग करती हैं, पर सबसे अधिक यहाँ पर हिंदू मैथोलॉजी की प्रतिमाएं हैं। और ये मंदिर भगवान शिव का घर कैलाश पर्वत को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, ये थे कैलाश मंदिर के कुछ तथ्य जिसने सबको हैरान करके रखा है और इसकी सुंदरता और नक्काशी देखते ही बनती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब मिस्ट्री टॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल।